हेलो पाइसिस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 1st of November से लेके 7th of November तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर पाइसिस। Ace of Cups, Five of Cups, Three of Cups, Two of Wands, and Five of Pentacles. Okay. So, Five of Pentacles का कार्ड है यहाँ पे। Five of Pentacles के होने का मतलब है कि आप में से बहुत सारे लोग एक थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में हो सकते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा और आप समझ नहीं पा रहे कि आपको इससे कैसे डील करना चाहिए। मे बी ये वो पर्सन है जो आपको किसी ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है। इन्हें कोई और या कुछ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। अगर ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप है तो तारा आपसे कह रहा है कि आपको अवेयर रहना चाहिए जो हो रहा है उसके कारण। आई थिंक ये पर्सन थ्री ऑफ कप्स के साथ आपसे कुछ छुपा रहा है। मे बी वो किसी फ्रेंड को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इट्स लाइक आपको डाउट हो सकता है कि क्यों ये पर्सन किसी को अपना फ्रेंड कह रहा है बट उनके इतने क्लोज हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि वो फ्लर्ट कर रहे हैं किसी और के साथ एंड आपको सिर्फ एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। मे बी आप जानते हैं कि ये पर्सन आप पे चीट कर रहा है। अगर ये सिचुएशन है तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। आपको इस सिचुएशन से बाहर होना चाहिए। एक बार देखिए खुद को और पूछिए कि क्या आप ये डिजर्व करते हैं। क्या वो पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं वो आपके प्यार के काबिल भी है? क्या ये पर्सन डिजर्व करता है आपका अटेंशन? हो सकता है इस पर्सन ने आपका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया हो। खुद पे यकीन नहीं कर पा रहे आप, खुद को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट आप खुद में कमियां ढूंढ रहे हैं या किसी से कम महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर इनसिक्योरिटी है। मैं इनसिक्योर एनर्जीज देख रही हूँ। बट ऑफकोर्स ये आपकी कमी नहीं है, ना ही आप इस इनसिक्योरिटी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। ये इस पर्सन ने आपके अंदर इंस्टिल की है, ओके, अपने मैनिपुलेशन के थ्रू या अपने एक्शंस के थ्रू। और आपको इसके आगे देखना पड़ेगा। मे बी इस पर्सन ने आपको इतना हर्ट कर दिया है कि आप किसी चीज को ट्रस्ट करने लगे हैं। लाइक कोई और आपसे बेहतर है तभी तो आपका पर्सन उन्हें अपना अटेंशन दे रहा है। कोई आपसे कुछ ज़्यादा एफर्ट कर रहा है तभी तो आपका पर्सन उनसे प्यार करता है। या मे बी अगर ये एक रोमांटिक सिचुएशन नहीं है तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपका पर्सन फिलहाल आपको अपने लिए सुटेबल नहीं समझता बिकॉज आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग खड़े नहीं उतर रहे। मतलब उन्हें लगता है कि उनको खुशी देना तो आपका काम है ही, आप उनके लवर हैं। बट एट द सेम टाइम उनसे रिलेटेड जितने लोग हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके फ्रेंड्स, उन सब की परवाह भी आपको होनी चाहिए। उन सबको भी खुश रखने की जिम्मेदारी आपको है, आपकी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी टॉक्सिक और मैनिपुलेटिव हो सकती है। इनके बारे में ज़्यादा मत सोचिए बिकॉज ये आपको किसी भ्रम में डाल रही हैं। एक ऐसा भ्रम जो आपको ये ट्रस्ट कराने की कोशिश कर रहा है कि आप काफ़ी नहीं हैं या आप दूसरों से कम हैं। इस सिचुएशन से बाहर आना ज़रूरी है, ओके। इनफैक्ट टू ऑफ वांड्स के साथ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। जो आप नहीं देख पा रहे वो आपको बॉदर कर रहा है, या फिर अगर आप पास पास भी हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कुछ तो छुपा रहा है, आपसे दूर दूर सा हो गया है। एंड अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है। तारो आपसे कह रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली ट्रस्टेबल है ही नहीं, कम से कम इस पॉइंट पे तो बिल्कुल भी नहीं। आपको ये बात रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है क्योंकि फाइव ऑफ कप्स के साथ अगर आप अभी चीज़ों को नहीं देखते हैं, ट्रुथ को नहीं समझते हैं,
तो मे बी आप बाद में पछताएंगे, आपको लगेगा कि आपने और ज़्यादा वक्त इनको देकर कोई गलती कर दी है। एस ऑफ कप्स के होने का मतलब है ये पर्सन जानता है कि आप उनके लिए एक गिफ्ट हैं, आप स्पेशल हैं, इनफैक्ट आप उससे कहीं ज़्यादा है जो वो डिजर्व करते हैं। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये लगता है कि वो अगर आपको इस तरीके से मैनिपुलेट कर सके या इस तरीके से फील करा सके जैसे कि आप कुछ नहीं कर रहे उनके लिए या आप किसी से कम हैं, तो शायद आप लगातार एफर्ट करते रहेंगे, उन्हें कुछ प्रूव करने की कोशिश करते रहेंगे और इसी तरीके से आप उनके साथ इस रिलेशनशिप में रहेंगे। ऑल्सो इन्हें लगता है कि आपका दिल भी काफ़ी बड़ा है, सो आप पुरानी बातों को लेट गो करेंगे और एक बार अगर उन्होंने आपसे प्यार से कुछ कह दिया तो सारी बातें आप भूल जाएंगे। एक्चुअली उस पर्सन को लगता है कि वो आपको कन्विंस कर सकते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए दूसरों का अटेंशन देने के बावजूद। उन्हें लगता है कि आप इस चीज़ में कंफर्टेबल हो ही जाएंगे, आप उन्हें स्पेस देंगे क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग हैं, मैच्योर हैं और इस चीज़ का शायद वो एडवांटेज ले रहे हैं। तो आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करनी पड़ेगी, आपको केयरफुल होकर ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कहाँ आपको डेडिकेटेड होना चाहिए और कहाँ नहीं, कहाँ आपको इन्हें अटेंशन देना चाहिए और कहाँ नहीं, कहाँ पे आपको इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए और कहाँ नहीं। ये एक चीज़ है जो आपको इस वीक में डिस्कवर करनी है, बैलेंस करनी है, बिकॉज ये भी एक ऐसा लेसन है जो आपके लिए सीखना ज़रूरी हो गया है। ऑफकोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेसोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर पाइसेस, थ्री ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वांड्स। ओके, सो हमारे पास है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के होने का मतलब है बहुत कुछ चल रहा हो सकता है आपके पीछे। इनफैक्ट थ्री ऑफ सोर्ड्स है तो आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस वजह से सेपरेट हो चुके हैं शायद। ओके, ये जो प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच आई इसके वजह से आप में दूरी तो आ ही गई है इवन इफ सेपरेशन नहीं है तो। हालांकि थ्री ऑफ सोर्ड्स है तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक परमानेंट सेपरेशन के बारे में हो सकता है। बट सिक्स ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपका अटेंशन, आपका लव मिस करता है और क्वीन ऑफ कप्स के साथ आपके बारे में बातें भी कर रहे हैं क्योंकि पास्ट की फीलिंग्स यूं ही तो कहीं जाने नहीं वाली, उन्हें किसी तरीके से तो अपने आप को रिलीव करना है। सो आपके बारे में बातें करके कुछ बर्डन जरूर उनके दिल से हट जाता है। क्वीन ऑफ कप्स गॉर्जियस है, क्वीन ऑफ कप्स परफेक्ट है, ये बात शायद क्वीन ऑफ कप्स भूल गई है और आपकी सोल चाहती है कि आप ये रिकग्नाइज करें। ऑल्सो एट ऑफ वांड्स का कार्ड है, सो प्रोबेबली आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है इस वीक में, या मे बी ये किसी चेंज के बारे में है जो बहुत नया सा होगा बट प्लीजेंट होगा। फाइनली आपको कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। नो, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। इस रिलेशनशिप में आप एक ऑप्शन की तरह अगर ट्रीट हो रहे हैं, ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको फिलहाल उन्हें यस नहीं कहना चाहिए, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, कोई भी सीरियस डिसीजन लेने से पहले रुक जाइए और सोचिए। ओके, तो यह है रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट व्हाट यू, बाय।